बहुत समय पहले शैतानपुर में शकीरा और रीना नाम की दो चुड़ैल बहनें रहती थी। वो दोनों बहुत जालिम थी। जब भी उन्हें कोई इंसान दिखाई देता तो वो दोनों उसे बड़ी बेरहमी से मार कर उसके शरीर का मांस खा जाती थी। उन दोनों के आतंक से पूरे इलाके के लोग बहुत ही घबराए हुए थे और रात होते ही अपने घरों में दुबक कर छुप जाते थे। इस तरह एक दिन वो दोनों बहनें जंगल में बैठकर किसी शिकार का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक उन्हें दो अपाहिज लड़कियां फूलों की टोकरी लेकर जाते हुए दिखाई देती हैं। अरे वो देखो, दो लड़कियां जा रही हैं, चलो उन दोनों को मार कर खा जाते हैं। फिर वो दोनों बहनें उन लड़कियों का रास्ता रोक लेते हैं। कहाँ जा रही है? हमें बहुत भूख लगी है, अब हम तुम दोनों को मार कर खाने वाली हैं। नहीं नहीं, हमें मत मारो, हमारे घर पर हमारी बीमार माँ है। अपाहिज होने के बावजूद भी हम दोनों फूल बेचकर किसी तरह अपनी माँ का इलाज करवाते हैं। दया करके हमें यहाँ से जाने दो। तेरी ये दुख भरी कहानी सुनकर हमारी आंखों में आंसू नहीं आने वाले, हमें तो बस तुम दोनों का मांस खाना है। उसके बाद वो दोनों बहनें उन लड़कियों पर हमला कर देती हैं, लेकिन तभी अचानक जंगल में रहने वाली जादूगरनी वहां आ जाती है। जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से दोनों चुड़ैलों को हवा में उड़ाकर जमीन पर पटक देती है। तुम दोनों ने बहुत सारे मासूम की जान ली है, आज मैं तुम दोनों को ऐसा सबक सिखा दूंगी कि तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। उसके बाद जादूगरनी एक बोतल से ढेर सारे जादुई जुए निकालकर उन दोनों बहनों के सर पर डाल देती है। चलो भागो यहाँ से, वरना मैं तुम दोनों को जलाकर राख कर दूंगी। उसके बाद दोनों बहनें डर के वहाँ से भाग जाते हैं। शैतानपुर पहुँचते ही उन दोनों के सर पर मौजूद जुए उन्हें काटना शुरू कर देती हैं। अरे उस जादूगरनी ने तो हमारे सर पर जुए डाल दी, मुझे तो लगा था वो साधारण जुए हैं, लेकिन ये जुए तो बहुत ही जोर से काट रही हैं। हाँ, मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है। उसके बाद दोनों बहनें अपने सर से जुए निकालने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन तभी उन्हें जोरदार बिजली के झटके लगने लगते हैं। वो दर्द से रोने लगती हैं, फिर वो दोनों किसी तरह अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। लेकिन अगली सुबह उनके सर पर मौजूद जुए पूरे घर में फैल जाती हैं। ये देख उस घर की चुड़ैल मकान मालिक को बहुत गुस्सा आता है। अरे तुम दोनों को सत्यानाश हो, लगता है कई दिनों से तुम दोनों ने नहीं नहाया, तुम्हारे सर पर ढेर सारी जुए आ गई है। ये देखो तुम्हारे सर की जुए पूरे घर में घूम रही हैं। अब मैं तुम्हें एक पल भी घर में नहीं रहने दूंगी, चलो निकल जाओ यहाँ से। दोनों बहनें अपनी मकान मालकिन को समझाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन मकान मालकिन उन दोनों की एक नहीं सुनती और उन्हें वहां से भगा देती हैं। उसके बाद वो दोनों बहनें शैतानपुर के अनाथ आश्रम में चली जाती हैं। लेकिन उन दोनों के सर पर ढेर सारी जुए देख सभी चुड़ैलें दोनों बहनों पर नाराज हो जाती हैं। अरे इतनी गंदी चुड़ैलें यहाँ कैसे आ गई? जरा देखो इनके सर पर तो ढेर सारी जुए घूम रही हैं। अगर ये दोनों थोड़ी देर भी यहाँ रुकी तो पूरे अनाथ आश्रम में जुए फैल जाएंगी। चलो चलो इन्हें यहाँ से भगा दो। नहीं नहीं, मेहरबानी करके हमें यहाँ से मत निकालो, हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अरे हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? तुम दोनों को यहाँ रख कर हम इस अनाथ आश्रम का सत्यानाश करना नहीं चाहते, चलो भागो यहाँ से। फिर वो चुड़ैलें दोनों बहनों को धक्का मार कर अनाथ आश्रम से बाहर भगा देती हैं। उसके बाद दोनों मजबूर होकर जंगल में चली जाती हैं। दूसरी तरफ उनके सर पर मौजूद जुए उन दोनों का खून पीना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में दोनों का शरीर पूरी तरह कमजोर पड़ जाता है और उन दोनों के शरीर में बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं। अपने शरीर की ये दुर्दशा देख दोनों बहनों को बहुत दुख होता है और वो दोनों फूट फूट कर रोने लगती हैं।
ये सब हमारे बुरे कर्मों का फल है। हमें जिन मासूम लोगों की जान ली है ये उन लोगों की बद्दुआ का असर है। तभी वहाँ जादूगरनी आ जाती है। हाँ, तुम दोनों ने बिल्कुल सही कहा, ये सब तुम्हारे बुरे कर्मों का फल है। जादूगरनी को देखते ही दोनों बहनें उसके पैरों पर गिरकर उसे माफी मांगने लगती हैं। हमें माफ कर दो, हमें हमारी गलती का सबक मिल गया है, दया करके हम दोनों के सर से ये जुए निकाल दो। दोनों चुड़ैल को रोते हुए देख जादूगरनी को उन पर तरस आ जाता है। दोनों चुड़ैल को रोते हुए देख जादूगरनी को उन पर तरस आ जाता है। मैं तुम्हें सुधरने का एक मौका देती हूँ। उसके बाद जादूगरनी मंत्र पढ़कर इन दोनों के सर पर मौजूद सारी जुए गायब कर देती है। ये देख दोनों चुड़ैले बहुत खुश होती हैं। फिर उस दिन से वो दोनों बहनें पूरी तरह सुधर जाती हैं और अच्छी चुड़ैले बनकर अपना जीवन जीने लगती हैं।